नमस्कार साथियों, आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। यह जो छठ पर्व है, ये झारखंड और बिहार का एक प्रमुख त्यौहार है। कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठी को मनाया जाने वाला एक हिंदू पर्व है। सूर्योपासना का यह अनुपम लोक पर्व मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के कई क्षेत्रों में मनाया जाता है। आजकल तो इसे अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में भी इसको मनाया जाता है और इस्लामिक लोग भी इस त्यौहार को बड़े ही उत्साह के साथ मनाते हैं। यह पूर्व मैथिली, मगध और भोजपुरी लोगों का सबसे बड़ा पर्व है। ये उनकी संस्कृति है। छठ पर्व बिहार में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। ये एकमात्र ही बिहार या पूरे भारत का ऐसा पर्व है जो वैदिक काल से चला आ रहा है और ये बिहार की संस्कृति बन चुका है। यह पर्व बिहार की वैदिक आर्य संस्कृति की एक छोटी सी झलक दिखाता है। ये पर्व मुख्य रूप से ऋषियों द्वारा लिखी गई ऋग्वेद से सूर्य पूजन, उषा पूजन और आर्य परंपरा के अनुसार बिहार में यह पर्व मनाया जाता है। साथियों, क्या आप जानते हैं इस त्यौहार की शुरुआत आखिर कैसे हुई? तो देखिए, बहुत सारे अलग अलग जगहों से, अलग अलग स्रोतों से इसकी अलग अलग जानकारी मिली है। तो देखिए, ऐतिहासिक रूप से मुंगेर सीता मन पत्थर यानी सीता चरण मंदिर के लिए जाना जाता है, जो कि मुंगेर में गंगा के बीच में एक शिलाखंड पर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि माता सीता ने मुंगेर में छठ पर्व मनाया था। इसके बाद इसके बाद आदित्य के पुत्र हुए त्रिदेव रूप आदित्य भगवान, जिन्होंने असुरों का देवताओं को विजय दिलाई, असुरों का नाश किया और देवताओं को विजय दिलाई। जैसा कि आप देख रहे हैं, हर एक स्रोत से एक अलग जानकारी मिल रही है, लेकिन इसमें जो मुख्य रूप से होती है वो सूर्य की पूजा की जाती है। छठ पर्व मूलतः सूर्य की आराधना का पर्व है, जिसे हिंदू धर्म में विशेष स्थान प्राप्त है। हिंदू धर्म के देवताओं में सूर्य ऐसे देवता हैं जिन्हें मूर्त रूप में देखा जा सकता है। सूर्य की शक्तियों का मुख्य स्रोत उनकी पत्नी उषा और प्रत्युषा हैं। छठ में सूर्य के साथ साथ दोनों शक्तियों की संयुक्त आराधना होती है। प्रातःकाल में सूर्य की पहली किरण यानी उषा और शाम काल में सूर्य की अंतिम किरण यानी कि प्रत्युषा को अर्घ्य देकर दोनों का नमन किया जाता है। और उगते हुए सूरज को प्रणाम करते हैं। ये भारतीय संस्कृति है, भारत का इतिहास है कि हम उगते और डूबते सूरज को प्रणाम करते हैं, उनसे आरोग्य प्रदान करते हैं। मैं सभी छठपंथियों से को गोरखपुर की जनता की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। जय जय बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लोकप्रिय नगर निगम के महापौर आदरणीय सीताराम जायसवाल जी ने हम सबका मान बढ़ाया, हम सबका सम्मान बढ़ाया। मैं पूरे गुरु रचना आरती समिति के तरफ से आपका बार बार स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आप लोग अपने बच्चों का ध्यान दीजिए, क्योंकि ये बच्चे का ही त्यौहार है। आज हम सब जो छठ पूजा का पावन अवसर पे हम माँ के चरणों में आते हैं, गंगा भैया के चरणों में पूजा अर्चना करते हैं, ये बच्चों का त्यौहार है। बच्चों पर विशेष ध्यान दें, खोया पाया ज्यादा न बोलना पड़े, ये आप सभी से आग्रह है। सभी माताओं का हम आग्रह है, अपने कानों पर ध्यान दें। इधर उधर जो टहल रहे हैं, व्रतधारियों का सहयोग करें। गुरु गुरु रचना आरती समिति के सभी वॉलेंटियर से आग्रह है, आप लोग
सेवा भाव से व्रतधारियों का सेवा करें, उनके सहयोग के लिए तत्पर खड़े रहे, यही हमारी निवेदन है। गुरु गोरखनाथ आरती समिति के पदाधिकारी विक्की जायसवाल जी, आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हैं। हम सबके सहयोगी शिवम पटवा जी भी आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हैं। लगातार 20 वर्षों से छठ माता की सेवा में लगे रहने वाले सुनील वर्मा जी भी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। ताटकेश्वर वर्मा जी हर वर्ष छठ माता के पर्व में तन मन धन से आप सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। मैं ताटकेश्वर वर्मा जी का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सुविधा के लिए और जनरल अधिकारियों द्वारा व्यवस्था 3 दिन के अंदर की गई है। मैं अपने तरफ से
भक्तों की छठ पूजा समिति और सभी माँ भक्तों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता और करता ही रहेगा। जय श्री श्री छठ पूजा महासमित्री मोहल्ला हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है, करता ही रहेगा। भोजा भी मुसाफिर को यह क्या बोले हो भैया।